Students, today is the turn to discuss the last section, that is section D of CHEM 202 theory, chemical equilibrium. इस section में दो chapter हैं, chemical equilibrium एक chapter, ionic equilibrium second chapter. अब एक question इस chapter से आएगा, एक उससे आएगा, दोनों में से एक करना है आपको. हमारे पास time नहीं है, shortage of time. We will discuss only वन चैप्टर. इजी है, आपने प्लस टू में पढ़ा है, बुक में बहुत सारा लंबा चौड़ा फालतू की बातें दी हैं, वो आपने करनी नहीं है. आपने सिर्फ वही टॉपिक तैयार करने हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन है, एंड उस हिसाब से अगर आप चलेंगे तो ये बहुत कम सिलेबस बनता है इसका. तो इजी है केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है. आयनिक इक्विलिब्रियम में भी आपने पढ़ा हुआ है प्लस टू में, बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है, एसिड बेस इक्विलिब्रियम क्या होता है, पीएच क्या होती है, सारा आपने पढ़ा हुआ है. उसको भी आप तैयार कर सकते हैं अपनी तरफ से, वो आपके लिए असाइनमेंट है अपनी तरफ से अगर आपने पढ़नी होगी. लेकिन दोनों में से एक चैप्टर भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपका पर्पज सॉल्व हो जाएगा, आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, ठीक है. अब केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए चलता है. अब अगर रिवर्सिबल रिएक्शन हम लें, सपोज करो ए प्लस बी रिवर्सिबिलिटी का साइन, एल प्लस एम प्रोडक्ट है, तो इस तरह से ये रेट अगर है तो इस तरह से आती है. इनिशियली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा थी तो रेट भी ज्यादा होगी, क्योंकि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन. और धीरे धीरे कंसंट्रेशन बढ़ती है तो घटती रहती है रिएक्टेंट्स की, प्रोडक्ट की बढ़ती रहती है, तो ये रेट भी कम होगी रिएक्टेंट साइड से और एक जगह आएगा, स्टैंड स्टिल हो जाएगा और अपोजिट रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा. तो इस तरह से ये ग्राफ बनता है, ठीक है. ये जो स्टैंड स्टिल आ गई, इसमें ना रेट बढ़ रही है ना कम हो रही है, इस स्टेट को हम क्या बोलेंगे, स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. रिएक्शन चाहे इस साइड से लेंगे तो ऐसा ग्राफ आएगा, अगर इस साइड से लेंगे तो ऐसा ग्राफ आएगा, लेकिन अल्टीमेटली हो क्या जाएगा, स्टैंड स्टिल हो जाएगा. ये तो इक्विलिब्रियम की स्टेट आ गई, ठीक है. एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिवर्सिबल रिएक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड साइड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड साइड रिएक्शन, आप सभी जानते हैं. फिर अगली टर्म है लॉ ऑफ मास एक्शन, कि ए प्लस बी टू गिव यू प्रोडक्ट, अगर ऐसा रिएक्शन है तो रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन विल बी के इंटू ए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, बड़े ब्रैकेट का मतलब होता है मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है. और अगर रिएक्शन ऐसा है एन मोल ऑफ ए प्लस एम मोल ऑफ बी टू गिव यू प्रोडक्ट, तो रेट क्या होगी, दिस न्यूमेरिकल कोफिशियंट एन बी विल बी रेज्ड टू द पावर ऑफ देयर मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है. तो k इंटू ए रेज टू पावर n इंटू कंसंट्रेशन ऑफ b रेज टू पावर m, ये लॉ ऑफ मास एक्शन है, वेरी सिंपल. अब लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, ये सपोज ये रिएक्शन हमने लिया a मोल ऑफ a प्लस b मोल ऑफ b टू गिव यू l मोल ऑफ l एंड m मोल ऑफ m, रिवर्सिबल रिएक्शन है. फॉरवर्ड साइड रिएक्शन क्या होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, k f, f मीन्स फॉरवर्ड, a रेज कंसंट्रेशन ऑफ a रेज टू पावर a, b रेज टू पावर b, एंड बैकवर्ड साइड क्या होगा के बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ l रेज टू पावर l, m रेज टू पावर m. एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड साइड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड साइड रिएक्शन, इट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू दिस. सो यही यहाँ पे लिखा है, के एफ ए के बी एल, ये बराबर कर दिया. अब के बी को इस साइड ले आया, के एफ ऑन के बी, ये इस साइड चला जाएगा l अपॉन l, एल रेज टू कंसंट्रेशन ऑफ एल रेज टू पावर एल, कंसंट्रेशन ऑफ एम रेज टू पावर एम डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ मोर कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर बी, ठीक है. तो ये आ गया, सिंस के एफ इज ए कॉन्स्टेंट, के बी इज ए कॉन्स्टेंट, रेशियो ऑफ ए कॉन्स्टेंट टू द कॉन्स्टेंट विल ऑल्सो रिमेन कॉन्स्टेंट, सो अनदर कॉन्स्टेंट इज इंट्रोड्यूस्ड, के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू दिस इज रिटन एज के, विच इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, ठीक है. तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेरिवेशन हो गई. अब टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आते हैं, ठीक है. आपके बुक में तीन दिए हैं, केसी, केपी एंड के जाई होना चाहिए था, के एक्स लिखा है, आप के एक्स ही बोलेंगे, कोई बात नहीं, मोल फ्रैक्शन है, ठीक है. इन टर्म्स ऑफ केसी, केसी इन टर्म्स होता है मोलर कंसंट्रेशन,
तो वो जो हमने पीछे लिखा रिएक्शन के लिए एल रेज टू पावर एल कंसेंट्रेशन मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ एल रेज टू पावर, तो वो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा दैट विल बी कॉल्ड एज केसी इन टर्म ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट। ठीक है, इसके यूनिट्स क्या आएंगे, मोल पर लीटर, क्योंकि कंसेंट्रेशन का मोल पर लीटर, रेज टू पावर डेल्टा एन, डेल्टा एन क्या हुआ एल प्लस एम माइनस ए प्लस बी, एल प्लस एम माइनस ए प्लस बी। अगर डेल्टा एन जीरो हो गया तो इसके यूनिट कुछ नहीं आएंगे, ठीक है, इट हैज नो यूनिट्स। सिमिलरली केपी के लिए भी और के जाएगी, ठीक है। सो केपी क्या होगा, अगर देखिए भाई साहब, अगर ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसेस हैं, ठीक है, और तो गैसेस में प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन, जितनी ज्यादा कंसेंट्रेशन होगी उतना ज्यादा प्रेशर होगा। सो इन टर्म इंस्टेड ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट लिख के एल लिखना, हम पी ऑफ एल लिख देंगे, ठीक है, रेज टू पावर एल प्रेशर ऑफ एम रेज टू पावर एम डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ ए रेज टू पावर ए प्रेशर ऑफ ए, दैट विल बी कॉल्ड एज के पी। और इसके यूनिट्स क्या आएंगे, प्रेशर का एटमोसफियर होता है, रेज टू पावर डेल्टा एन। और मोल फ्रैक्शन आप जानते हैं, मोल फ्रैक्शन की टर्म में लिखना हो तो जाई, चलो एक्स ही बोलता हूँ, एक्स ऑफ एल रेज पावर एल, एक्स ऑफ एम रेज पावर एम, एक्स ऑफ ए रेज पावर ए, एक्स ऑफ बी रेज पावर बी। तो तीन तरह के हुए के सी, के पी एंड के एक्स। के सी में कंसेंट्रेशन जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मोल पर लीटर में लिखी है, के पी में कंसेंट्रेशन प्रेशर में एक्सप्रेस की गई है, और इसमें मोल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस की गई है, ठीक है। अब आपके जो आता है क्वेश्चन के रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी, ये आपने प्लस टू में पढ़ा हुआ है बेसिकली। फिर आ जाएगा के एक्स के पी एंड के सी के बीच का रिलेक्शन। चलो हम रिलेशन देखते हैं, यही रिएक्शन ले लिया हमने, ए मोल ऑफ ए प्लस बी मोल ऑफ बी टू गिव यू एल मोल ऑफ एल प्लस एम मोल ऑफ एम, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो के सी इसके लिए कैसे लिखा जाएगा, जैसे ये लिखा जाएगा एल रेज टू पावर एल, ऊपर लिखा था एम रेज टू पावर एम, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू पावर देयर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू पावर ऑफ देयर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। तो ये बड़ा ब्रैकेट लिखने की जगह हम सी भी लिख सकते हैं, कंसेंट्रेशन ऑफ सी रेज टू पावर एल, कंसेंट्रेशन ऑफ एम रेज टू पावर एम, कंसेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर ए, कंसेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर बी, ठीक है। तो ये तो हो गया के सी। अब के पी हमने लिखना है, तो वही ऊपर से लिया, प्रेशर ऑफ एल रेज टू पावर एल प्रेशर ऑफ एम, ठीक है, प्रोडक्ट का प्रेशर ऊपर, रेज टू पावर द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, रिएक्टेंट्स का नीचे। बट वी नो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, सो पी इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी, एन अपॉन वी क्या होता है नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड कंसेंट्रेशन। सो पी इज इक्वल टू सी आर टी, तो इस पी की जगह हर जगह सी आर टी लिख देंगे हम, तो ये के पी की क्या बन जाएगी, सी एल आर टी रेज टू पावर एल, सी एम आर टी रेज टू पावर एम, सी ए आर टी रेज टू पावर ए, सी बी आर टी रेज टू पावर बी। सो ये सी एल, ये एल रेज टू पावर, ये क्या निकल जाएगा के सी, आर टी एल प्लस एम माइनस ए प्लस बी, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। सो के पी इज नथिंग, दैट इज के सी इंटू आर टी रेज टू पावर डेल्टा एन, वेयर डेल्टा एन इज द चेंज इन नंबर ऑफ मोल एंड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है, डिफरेंस इन मोल, ठीक है। अब आएगा, तो पहली रिलेशन निकल गई के पी इज इक्वल टू के सी आर टी रेज टू पावर डेल्टा एन, सेकेंड रिलेशन है के एक्स की के पी और के सी के साथ, जरूर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट का ए बी सी एल एम का लिखना है, तो क्या होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू टोटल प्रेशर, ठीक है। सो अगर पी एल का लिखना है पार्शियल प्रेशर, एल रेज टू पावर एल विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ एल रेज टू पावर एल इनटू टोटल प्रेशर पी। सो इस तरह से अगर हम के पी को लिखेंगे इन टर्म ऑफ जाई एल, तो ये आ जाएगा जाई एल रेज, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ एल रेज पावर एल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एम रेज पावर एल इंटू, ये आ गया मोल फ्रैक्शन इसका, के पी लिख रहे हैं प्लस पी इसकी टर्म में ही एल प्लस एम माइनस ए प्लस बी। सो के पी इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू के जाई P डेल्टा N, P रेज टू पावर डेल्टा N। अब के पी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा N, ये पीछे हमने निकाल लिया। सो के सी आर टी डेल्टा N इज इक्वल टू के एक्स पी रेज
टू पावर डेल्टा एन, सो के सी विल बी इक्वल टू के के एक्स पी अपॉन आर टी होता है. पी वी इज इक्वल टू आर टी, पी अपॉन आर टी इज इक्वल टू वन अपॉन बी, सो के सी विल बी के एक्स वन अपॉन बी रेज पावर डेल्टा एन. सो के एक्स इज इक्वल टू के सी इंटू वी रेज पावर डेल्टा एन. ठीक है, तो ये आ गया के सी और के एक्स और के सी का रिलेशन, ये आ गया के एक्स और के पी का रिलेशन. ठीक है, अब इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी ऑफ ए रिएक्शन इन टर्म ऑफ केमिकल पोटेंशियल. तो आपकी किताब में पिछले चार पांच चैप्टर में केमिकल पोटेंशियल गिव्स ड्यू इक्वेशन पता नहीं क्या क्या दिया हुआ है. केमिकल पोटेंशियल कुछ नहीं होता है, म्यू से इसको लिखते हैं हम. केमिकल पोटेंशियल क्या होता है, म्यू को अगर डिफाइन करना है दैट इज चेंज इन फ्री एनर्जी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एंड कंपोजिशन. ठीक है, सपोज करो तीन रिएक्टेंट है, वन टू एंड थ्री. अगर हमने थर्ड का केमिकल पोटेंशियल निकालना है थर्ड कंपोनेंट का, तो यहां पे लिखूंगा म्यू थ्री इज इक्वल टू दूसरों की टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट, प्रेशर भी कॉन्स्टेंट, उनकी कंसेंट्रेशन भी कॉन्स्टेंट. सो इट इज नथिंग डेल्टा जी चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ ए सिस्टम विच रिजल्ट ऑन एडिशन ऑफ वन मोल ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एंड ओवरऑल कंपोजिशन. क्या मतलब समझे कि थर्ड कंपोनेंट अगर है तो उसका केमिकल पोटेंशियल कितना हुआ कि जो फर्स्ट दो कंपोनेंट है उनके जितने नंबर ऑफ मोल थे वो उतने ही रखे, प्रेशर भी उतना ही रखा, टेम्परेचर भी उतना ही रखा. हमने थर्ड कंपोनेंट का एक मोल डाला और चेंज किया कि फ्री एनर्जी में नोट किया कि फ्री एनर्जी में कितनी चेंज आई. जितनी भी चेंज आई फ्री एनर्जी में दैट इज कॉल्ड केमिकल पोटेंशियल ऑफ दैट कंपोनेंट. अब तीन कंपोनेंट है, अगर हमने फर्स्ट का निकालना है तो सेकंड और थर्ड का नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट रखने, फर्स्ट का एक मोल डालना है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट, प्रेशर भी कांस्टेंट, फ्री एनर्जी चेंज चेक करनी है कितनी आई, दैट इज कॉल्ड केमिकल पोटेंशियल. आई थिंक केमिकल पोटेंशियल टर्म आपको क्लियर हो गई होगी. ठीक है, तो इतना ही आपने इसके बारे में देखना है, ज्यादा आपने देखना नहीं है. अब आते हैं हम फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी होती क्या है, दैट इज कॉल्ड फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टर्स. जैसे आप जानते हैं तो यही रिएक्शन अगर मैं ले लिया, ठीक है, तो यही रिएक्शन लिख दिया जो पीछे से हम चल रहे हैं. डेल्टा जी विल बी इन टर्म ऑफ केमिकल पोटेंशियल एल ऑफ दैट इज नंबर ऑफ मोल ऑफ एल इंटू केमिकल पोटेंशियल ऑफ एल, क्योंकि एक मोल के लिए केमिकल पोटेंशियल होगा, अगर 10 मोल है तो 10 गुना में केमिकल पोटेंशियल हो जाएगा. सो ये प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी होगी इन टर्म्स ऑफ केमिकल पोटेंशियल टोटल, और ये रिएक्टेंट की होगी टोटल. सो अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इस जी को हम ये सबस्क्रिप्ट लगा देंगे. ठीक है, इसमें सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या लिया है, स्टैंडर्ड कंडीशन में, टेम्परेचर भी स्टैंडर्ड है. तो इस तरह से ये फ्री एनर्जी की टर्म में हम इसको लिख सकते हैं. अब आपके सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक है थर्मोडायनामिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. ये आपने देखना है, यही रिएक्शन लिया ए मोल ऑफ ए प्लस बी मोल ऑफ बी टू गिव यू एल मोल ऑफ एल इनटू एम मोल ऑफ एम. अब वही जो ऊपर से जी आर निकाली रिएक्टेंट की, तो वो निकल गई है ए म्यू ए प्लस म्यू बी, और जी पी भी निकाली एल म्यू एल प्लस एम म्यू एम. डेल्टा जी निकाली जी पी माइनस जी आर, तो इस तरह से आपको लिखेंगे अपने आप निकलेगा. ठीक है, ये माइनस ए. ठीक है, एट इक्विलिब्रियम आपको पता है प्लस टू में आपने डेल्टा जी इक्वल टू जीरो, सो इसका मतलब ये माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, तो दिस विल बी इक्वल टू दिस. सो म्यू एल प्लस एम म्यू एम इज इक्वल टू ए म्यू ए प्लस बी म्यू बी, ये इसके बराबर होगा. इसको यहां ले आएंगे तभी इधर जीरो होगी, माइनस करेंगे अगर तो. ठीक है, सो नाउ म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट आर टी नेचुरल लॉग पी नेचुरल लॉग फॉर आइडियल गैस मिक्सचर. अब इस म्यू की जगह हमने ये वैल्यू भरनी है, तो ये एल इधर आ जाएगा म्यू आर टी नेचुरल लॉग ऑफ पी एल, इसके लिए हो गया प्लस एम बाहर आ गया म्यू आर टी नेचुरल लॉग ऑफ पी एम. सिमिलरली इज इक्वल टू ए म्यू नॉट प्लस आर टी, सॉरी प्लस है ये म्यू नॉट प्लस आर टी, ए म्यू नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ पी ए प्लस बी इंटू म्यू नॉट बी आर टी नेचुरल लॉग ऑफ पी बी.
अब इसको जब आप मैथमेटिकली इसको करेंगे, आर टी कॉमन ले लिया इधर, तो क्या आ जाएगा, एल नेचुरल लॉग ऑफ पी एल प्लस एम नेचुरल लॉग ऑफ पी एम प्लस म्यू एल, अलग से कर दिया, म्यू एल म्यू नॉट एल प्लस एम म्यू नॉट एम इजिकल टू आर टी, जैसे इस साइड किया वैसे उस साइड लिखा। अब इसको आप आगे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आर टी नेचुरल लॉग ऑफ पी एल एम अपॉन ये, इस तरह से आ जाएगा, इजिकल टू जी नॉट ऑफ रिएक्टेंट माइनस जी नॉट ऑफ दैट इज डेल्टा जी नॉट। सो ये प्रेशर की टर्म में अगर हम इसको लिख रहे हैं, नेचुरल लॉग ऑफ के पी बन गया है अपॉन आर टी, आर टी हम इस साइड ले आए, डेल्टा जी नॉट इस तरह, सो नेचुरल लॉग ऑफ के पी इजिकल टू माइनस, क्योंकि आर माइनस रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है, सो ये आ जाएगी माइनस डेल्टा जी नॉट। सो के पी नेचुरल लॉग ऑफ के पी, इसको के पी के बराबर रख लिया, नेचुरल लॉग के पी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी, ठीक है। अगर नेचुरल लॉग यहां से उड़ाना है तो इस साइड को एक्सपोनेंशियल लेना पड़ेगा, सो ये क्या आ जाएगा, के पी इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी। तो इस तरह से के पी की वैल्यू निकल गई। अब के सी की वैल्यू आप के पी और के सी का रिलेशन जानते हैं, तो के सी की निकल जाएगी, पी की जगह सी लिखना है, सी रेज टू पावर एल, इस तरह से बुक में दिया हुआ है। और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बचता है ली चैटलियर प्रिंसिपल, जो आपने प्लस टू में पढ़ा हुआ है, आपको मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ। ली चैटलियर प्रिंसिपल आपने पढ़ा हुआ है कि इक्विलिब्रियम को जब भी हम किसी चेंज को सब्जेक्ट करते हैं तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन टू अंडू द इफेक्ट ऑफ दैट चेंज, ये ली चैटलियर प्रिंसिपल है। फैक्टर अफेक्टिंग ली चैटलियर प्रिंसिपल भी आपने प्लस टू में सारे पढ़े हैं कि कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे हम किसी एक रिएक्टेंट की तो फॉरवर्ड साइड को जाएगा, प्रोडक्ट की बढ़ा देंगे तो बैकवर्ड साइड को आएगा, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, कैटलिस्ट डालने से क्या होता है, ये सारे इस तरह के आपने सारे कुछ पढ़े हुए हैं। तो विद दिस योर दिस चैप्टर इज ओवर एंड माई इट वॉज माई लास्ट lecture to you people, because I think now the syllabus for this is over. Okay, agar aapne padhna hai to aane ko equilibrium khud padhiye, lekin question aapka agar dhang se aap isko karenge to ek question isme se aapka ho jayega. Okay, thank you.